Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Sevens Club. So, dekhe, just a week to go for the mains. And theek, next week, isi din Friday ko, hum log morning mein, 9 baje, essay ka exam likh rahe honge. Right? And post that, we'll write GS 1, 2, 3 and 4. And uske baad next week, hum log optional aur apna English ka jo English Hindi paper hai, wo likhenge. Right? And last week mein dekhe, there's a lot of, you can say, anxiety, there's a lot of panic going on, jaldi jaldi kya karu, kya na karu, right? Isko regards ko leke, dekhe bahut sara doubt hai, theek hai? And kuch cheeze dekhe, main aapko batana chahta hun, right? Based on my experience, right? Jo I feel, first timers ko dekhe, specially yahaan pe ek cheez dhyan rakhni chahiye, right? To sabse pehla jo yahaan pe, jo rule hai means ka, theek hai? Jo sabse, aap keh sakte ho, I should be saying the three laws of जो emotion होते हैं ना, right? ठीक है, जो 100% चलता है वो rule है, there is no rule. ठीक है, mains का exam, it's all about an open-ended debate, it's all about an open-ended discussion between you, the question and the examiner. ठीक है, देखिए pre में क्या होता है ना, pre में गोला भर दो, objective है तो everyone is thinking the same, right? मीन्स में ऐसा नहीं है, ठीक है? एंड स्पेशली इन एथिक्स, इन इन एसे, जहाँ पे क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल ही ओपन एंडेड है, वहाँ एवरीवन इज नॉट थिंकिंग द सेम. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि एक क्वेश्चन को आप 50 लोग से लिखवाओगे, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन. तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, एंड स्पेशली देखिए ये यहाँ पे मैं इस कॉन्टेक्स में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के ना यार टेस्टों में मेरे पास मैसेज आया, सर 80 से 70 आए, 80 90 आए हैं, व्हाट कैन एक्सपेक्ट इन मींस, क्या कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. ठीक है, देखो समझो, द चांसेस आर 80 वाले के 140 तक भी आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉपीज चेक होती है वो बहुत गंदी होती है, लिटरली वेरी वेरी शिट. एंड जितनी महंगी टेस्ट सीरीज उतनी गंदी कॉपी चेक, मैं तो ये चीज़ देखी है. ठीक है, लिटरली 90% में तो इवन पढ़ते भी पता नहीं है या नहीं है, भी नहीं पता. ठीक है, तो अगर आपके कोचिंग में बहुत कम नंबर आए हैं या इवन बहुत ज्यादा नंबर भी आया है, डोंट गेट एक्साइटेड. यूपीएससी में कंप्लीट रिवर्सल हो सकता है. मैंने ऐसे देखा है, 114 एसे, इन एवरी एसे शी वाज गेटिंग 132 140 132 140 एंड रियल एग्जाम 90. ठीक है, माय स्टूडेंट ओनली. ठीक है, तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है. तो पहली बात आप ये चीज समझो. तो इससे हम क्या डिराइव करते हैं, इससे हम ये डिराइव करते हैं कि इट्स एन ओपन एंडेड एग्जाम. ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी ना इसको आप किसी एक पर्टिकुलर ना, डोंट ट्राई टू मैकेनाइज इट, डोंट ट्राई टू, कहता है ना डेविड ईस्टन, साइंटिसाइज इट. ठीक है, तब ये क्या है, सोशल साइंस से क्या है, पॉलिटिकल साइंस से प्योर साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड ये साइंस का एग्जाम नहीं है, दिस इज अ सोशल साइंस एग्जाम. प्लीज डोंट मेक इट अ साइंटिफिक एग्जाम, दिस इज अ फिलोसफिकल एग्जाम. इन द सेंस यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, यहाँ पे ओपिनियंस की फाइट है, यहाँ पे डिस्कशन है, डिलिब्रेशन है, डिबेट्स है. प्लीज इसको साइंस में मत बांट दो. ठीक है, कि यू आर थिंकिंग अबाउट द बेस्ट इंट्रो, अगर मैं इंट्रो नहीं लूंगा मैं गया. ठीक है, ये क्या बात होती है यार. हो सकता है आपने कंटेंट आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया हो. ठीक है, क्यों उसे वो पूरा कंटेंट पढ़ के ही समझ में आ गया होगी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, राइट? तो What I mean to say is ना, प्लीज अगर अभी आप इन सब चीजों में फंसे हुए हो, माइंड में ना एक एक काइंड ऑफ बहुत ही मैकेनिकल माइंड चल रहा है, तो भाई वैसे आंसर्स लिखोगे, हो सकता है एग्जामिनर को पसंद आए, एंड देर इज अ हाई चांस एग्जामिनर विल गेट पिस्ड ऑफ एट इट दिस. ठीक है, दैट इज वाई सी कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यार मैं तो बहुत डेटा लिखा, बहुत फिगर्स बनाए, बहुत डायग्राम बनाए, एग्जाम में चढ़ गया. जरूरत थी, राइट? वेदर दैट डेटा जस्टिफाइड, वेदर दैट डायग्राम जस्टिफाइड. ठीक है, तो ये चीज आप सोचो. सो जितना आप नेचुरल होगे ना, जितना आप फ्रीली दोगे एग्जाम को, ठीक है, उतना ही आपकी प्रॉबिबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, एंड फर्स्ट अटेम्प्टर्स का जिनका हो भी होता है ना, ठीक है, 99% केसेस में यही देखा गया उनका, इसलिए हो रहा है. ठीक है, बिकॉज दे वर फ्री, दे वर जस्ट फ्री. और उसके बाद क्या हो जाता है, इन द सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे लोगों ने आपके दिमाग में पता नहीं क्या 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 भर दिया है. ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, वीडियोस ने, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद क्या होता है, माइंड ना जो नेचुरल एबिलिटी होती है, कहता है ना रॉसी मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इज चेन, वही हो जाता है. ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, प्लीज बी फ्री, फ्री होके दो. ठीक है, आप वहां पे आराम से लिख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है,
कि मतलब मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ बिल्कुल ही फैक्चुअल आ गया, वो आएंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कुछ परसेंटेज तो ऑब्वियस ही बात है फैक्चुअल आता है तो छोड़ो, तो भी होगे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इन द सेंस, ठीक है, फैक्ट्स वो किसी को भी नहीं आ रहे, बट द पॉइंट इज बी ऑर्गेनिक, बी नेचुरल, जो निकल रहा है वो आई फील आपको लिखना चाहिए रादर देन कंस्ट्रेन करके अपने आप को, ठीक है, क्योंकि उसी में ही देर इज अ चांस कि आप एग्जामिनर से रेजोनेट करोगे एंड उसी में देर इज अ हाई चांस कि आपकी कॉपी थोड़ी सी एग्जामिनर को ना इमोशनली आप कह सकते हो कनेक्ट कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो यार प्री में क्या है, गोला भरना है, तो तुमने ये भर दिया, ए आंसर है, देर इज एब्सोल्यूटली नो यू कैन से थिंग, ठीक है, कि उस पर लड़ाई हो, बट आंसर काफी लंबा है, हो सकता है शुरू में बहुत एग्जाम में इंप्रेस हुआ बट बाय द टाइम यू जस्ट वेंट ऑफ बीट एंड यू आर लाइक हे यू गेट लॉस्ट, ठीक है, नहीं है मजा आया, बट हो सकता है शुरू में एक दो लाइन की तुमने गलत स्टार्ट लिखी हो, बट वेन यू केप्ट योर आर्ग्यूमेंट्स एंड योर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड योर वे फॉरवर्ड एंड योर कंक्लूजन, ही वॉज लाइक ऑस्ट्रक, वाओ मैन कितना बढ़िया है, तो ठीक है, हाँ ना, तो ये चीज को समझो, देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी, तो जो भी लोग अभी ना दे हैव लिटरली गिवन अप, होप छोड़ चुके हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि भाई यू कैन बी टोटली अस्टाउंड, टोटली अरे साला ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है, सुनते हो ना यार, ये तो सबसे घटिया हुआ था भाई, इसमें इतने कैसे आ गए, ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन फील, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्टर्स को होती है, फाइन, सेकेंड अटेम्प्टर्स के बाद थर्ड अटेम्प्ट, इफ यू आर गिवन टू थ्री मिनट्स तो पता चल जाता है, नहीं यार क्या है किधर है ये, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ना देर इज दिस, कहते हैं ना वो हैरी पॉटर वाली वो जो हैट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, तो वही यहाँ पे है, ठीक है, तो प्लीज अगर आप ये कोचिंग में कम नंबर आए हैं वॉट एवर, ठीक है, देर इज नो मैजिक फॉर्मूला टू दिस, देर इज एब्सोल्यूटली नो मैजिक फॉर्मूला, ठीक है, वॉट माइट वर्क फॉर यू माइट कंप्लीटली नॉट वर्क फॉर मी, बट वॉट माइट वर्क फॉर मी माइट कंप्लीटली नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन हम क्या कोर कंटेंट ही नहीं लिखे, नहीं भाई ये सब भी गलत है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से किस तरीके से आप पॉइंट्स को एनालाइज करते हो, किस तरीके से आप अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हो, ठीक है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, एंड प्लीज भाई ये ध्यान रखो, मैंने पहले भी वीडियोज में बोला है, यूपीएससी जीरो भी देता है मेंस में, आंसर में, डोंट थिंक मैं तो कुछ भी लिख दूंगा तो भाई एक तो दे देगा, दो तो दे देगा, क्यों देगा भाई, क्यों देगा, आई हैव शोन यू दिस, 500 की रेंज में भी मेंस में मार्क्स आते हैं, 400 की रेंज में ही मेंस में मार्क्स आते हैं, एंड 900 की रेंज में भी मेंस में मार्क्स आते हैं, 840, 850, 870, 880 भी आते हैं, एंड इसी तरह आई थिंक 940 समथिंग थे, तो सोच लो भाई 540 और 940 रेंज देख लो कितनी वाइड है, मेंस ही बात कर रहा हूँ, फॉरगेट इंटरव्यू, इंटरव्यू उसके बाद है, ठीक है, तो ये हमेशा अपने माइंड में आप अपने आप को समझाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ये तभी आपको समझ में आएगा राइट, ठीक है, व्हेन यू गो थ्रू दिस, ठीक है, मैं इससे गुजरा हूँ, आई नो आई सीन अ लॉट ऑफ मार्कशीट, ठीक है, राइट, तो जो भी इतना मैकेनिकल में फंसे हुए हैं ना, प्लीज डोंट गेट कंस्ट्रेंड, अगर इफ इट्स वर्किंग फॉर यू इट्स गुड, ठीक है, इफ दैट अप्रोच इज वर्किंग फॉर यू इट्स वेरी गुड, बट इफ दैट अप्रोच इज नॉट वर्किंग एंड यू आर वरीड, प्लीज फील फ्री टू राइट वट यू थिंक इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वहां क्वेश्चन भी बहुत ओपन एंडेड है, आप क्वेश्चन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, ये भी बहुत मैटर है, वाई रेयरली क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वाई इज दिस फिनोमेना, एक्सप्लेन दिस, वाई इज दिस इज हैपनिंग, वाई और हाउ तो बताते ही नहीं हो, वो तो बस स्टेटमेंट होगा, कमेंट, अब हाउ आर यू कमेंटिंग ऑन दिस, ठीक है, हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी बिग यू कैन से गेम चेंजर, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, और अभी के लिए मैं एक हफ्ते पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, प्लीज अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको ठीक करें, 9 से 12, 2 से 5, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग इन दिस, अगर आप एक नाइट आउल है स्टॉप इट राइट नाउ, 9 बजे 10 बजे के बाद बंद कर दो फोन, बिल्कुल मत चलाओ, ठीक है, हालांकि 10 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी स्लीप साइकिल एडजस्ट, बट स्टिल इफ यू हैवेंट प्लीज आप ये ना करो, ठीक है, राइट, प्लीज डोंट ट्राई टू पैनिक, ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर टाइम में क्या है ना, एंग्जाइटी बढ़ती है और इवन आपकी ना फिजिकल बॉडी पे वो होगा, यार उल्टी आ रही है, आई फील फेंटनेस, फेंट लग रहा हूँ यार, वीक सा लग रहा हूँ यार, ठीक है, नींद आ रही है यार, ठीक है, सडनली लूज मोशन हो रहे 2-3 बार, ये सब क्या होता है, वेन यू गेट अ लॉट एंग्शियस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो माइंड से वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, दैट इम्पैक्ट्स योर बॉडी, फिजिकल इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है, सडनली आपके हाथ की ये वाली हाथ की नस ऐसे हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा हाथ, ये क्या हो गया अचानक से, ये क्या है, ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए क्या है, टेक अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये मैं लास्ट अभी 2-3 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा एसेंशियल्स वाली, ठीक है, व्हाट यू शुड बी टेकिंग बिफोर द एग्जाम वगैरह, ठीक है, या वो उसमें बात कर लेंगे, उसमें यही सब सिंपल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, चॉकलेट वगैरह, ठीक है, राइट, तो ये आप समझिए,
बट दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु थिंक दिस कि यार नहीं होगा यार. बिल्कुल होगा भाई. जब सोचते हो नहीं होगा तब तो पक्का होगा. ठीक है. एंड ऑलवेज बी फ्री. ठीक है. अपने आप को ही समझाओ यार. 10,000-13,000 लोग को तो, इतने लोग को तो हरा के आ रहे हो ना तुम यार. ऐसे बेवकूफ़ भी नहीं हो जो मेंस लिख रहे हो. हाँ ना. ठीक है. राइट. सो कुछ ना कुछ तो बेहतरीन होगा ही. ठीक है. अनटिल अनलेस यू डू अ वेरी बिग ब्लंडर. जब तक आप बहुत बड़ा ब्लंडर ही कर दो. ठीक है. कि आप बिल्कुल ही पेपर छोड़ा हो और आप बहुत, तो ही वो है. एल्स देर इज़ अ वेरी बिग फाइट. एंड ऑलवेज एज आई हैव सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, इट्स अ टेस्ट मैच. 5 दिन बैटिंग करनी है. Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5. 5 days बैटिंग करनी है. ठीक है. 6 हर रोज 2 सेशन होंगे जस्ट लाइक इन अ टेस्ट मैच. तो किसी भी सेशन में आप विकेट गिरा तो डैट डज नॉट मीन द गेम इज ओवर. नेक्स्ट सेशन में यू कैन कवर इट वेल. और ऐसा हुआ है, देखा गया. 95 आए AR19 के इन एस से, बट 140 इन एथिक्स कवर्स इट. ठीक है. तो जो उनका विकेट Day 1 पे गिरा, ठीक है, Day 3 पे उन्होंने सेकेंड सेशन में सेंचुरी और 200 मार दिया. ठीक है. तो इट्स अ टेस्ट मैच. और टेस्ट मैच पे वही जीतता है जो पूरे दिन बैटिंग करता है. ठीक है. राइट. पूरे दिन बैटिंग करता है वही जीतेगा. राइट. ठीक है. तो इट्स अ गेम ऑफ एंड्योरेंस, इट्स अ गेम ऑफ स्टैमिना, इट्स अ गेम ऑफ बीइंग, यू कैन से, एबल टू प्रोड्यूस व्हाट यू हैव स्टडीड, रैदर देन, ठीक है, स्टडिंग मोर एंड राइटिंग रैंडम थिंग. और कुछ भी याद नहीं आ रही है वो है कलेक्ट कर लो. बट द प्रोडक्शन करने के लिए, टू प्रोड्यूस दैट, यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ कामनेस एंड अ सेंस ऑफ क्लैरिटी. ठीक है. और वो तभी आती है जब आपका माइंड एक फ्री माइंड होता है कि हाँ यार, दिस इज वॉट आई विल राइट, दिस इज हाउ आई विल सब्सटेंशिएट माई आर्ग्यूमेंट्स. सिंपल एज दैट. अब जो है ऐसी समझ तो एग्जाम्पल यार, कोई बात नहीं यार, 2-4 में मत दे एग्जाम्पल. अब देखो कोचिंग नहीं, सामने माइंड में फिट कर दिया एग्जाम्पल लिखने लिखने लिखने, जितने एग्जाम्पल उतने मार्क्स. किसने कह दिया यार, किसने कह दिया? ठीक है. अब ऐसे तो 1 पॉइंट को एग्जाम्पल, 1 पॉइंट लिखोगे, अब 3 पॉइंट लिखोगे उसको लिख देना 1+2. ये क्या बात है? फॉर एग्जाम्पल 1+2, ये क्या इरिटेशन वाली बात है? जहां आपको जेन्युइनली लगे, ठीक है, वहां दो आप एग्जाम्पल. पर जहां आपको जबरदस्ती याद नहीं आ रहे हैं तो उसमें परेशान क्यों होना? ठीक है. जबरदस्ती के हमारे PSIR में स्कॉलर लिखने, बुक लिखनी है, बुक लिखने, स्कॉलर लिखने. ठीक है. लो भाई, ठीक है, लिख दो फिर. ठीक है. जबरदस्ती का यार कि नहीं यार, इफ आई डोंट राइट अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन आई एम गॉन. ठीक है. एज इफ इंट्रोडक्शन हैज 11 out of 10 मार्क्स ऑफ अलॉटेड. एक मिल जाएगा, डेढ़ मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना इंट्रोडक्शन पे ले लोगे. ऐसे तो फिर यार मैं 20 के 20 बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन लग के जाता हूँ, 2 नंबर इसमें आ जाएंगे. 20 अच्छे कंक्लूजन रट के जाता हूँ, 2 नंबर इसमें आ जाएंगे. मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब मेरे 80 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे बिना कोई कंटेंट पढ़े. थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिख दूंगा तो उसमें फिर 40 नंबर में, मतलब 120 तो ऐसे ही आ जाएंगे. हैं, ऐसा नहीं होता यार. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. सो आई होप कुछ पर्सपेक्टिव मिला हो. ठीक है. तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. ठीक है. राइट. थोड़ा सा यार इन सब चीज़ों में ऑक्यूपाइड हूँ तो इसलिए वीडियोज नहीं आ पा रही हैं. बट ठीक है यार, फ्रॉम 24th-25th विल बिगिन आर जर्नी. ठीक है. राइट. दिस विल बी माई लास्ट. ठीक है. इसके बाद हम प्रॉपर अच्छे से इसमें घुसेंगे. ठीक है. एंड एसेंशियल्स की वीडियो आई जस्ट मेक इन अ डे और टू. ठीक है. एंड और किसी को भी कोई डाउट है तो ऑन टेलीग्राम यू कैन आस्क मी एट सुमित इज देयर. ठीक है. बस बोल देना सर आई एम गिविंग मेंस. ठीक है. और जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. और यही मुझे डिस्कस करना था. ठीक है. 2-3 दिन में एक एसेंशियल की वीडियो बना दूंगा. ठीक है. हालांकि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. बट स्टिल मैं बता दूंगा. ठीक है. एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से. ठीक है. एंड यस, कोर्सेज भी आएंगे यार डेफिनेटली फ्रॉम 26. प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करेंगे. राइट. वंस आई रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली. ठीक है. आफ्टर गिविंग ऑल दिस मेंस तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे तरीके से आई हैव अ लॉट ऑफ यू कैन थिंग्स टू ऑफर. राइट. तब हम वो करेंगे. ठीक है. तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एनरोलिंग तो यस, कोर्सेज आ रहे हैं. ठीक है. बट दैट विल ऑल विल बी अनाउंस फ्रॉम 25. ठीक है. चलिए. दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.